हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होम मेकर सपना ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ट्रेन की जर्नी। 3 से 4 घंटे की जर्नी है, तो इसके बीच का क्या क्या सब होता है वो मैं सब दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। आज स्टेशन पहुँचने के लिए हम लोगों ने ई रिक्शा लिया है, इसे स्टेशन जाएंगे। हम लोग सब पूरा फैमिली हैं, भाभी है, बच्चे हैं, सब मिल के जा रहे हैं। सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। फिर भी रिक्शा ऑटो काफ़ी दिख रहा है, दुकानें सारी बंद है, अभी ज़्यादा नहीं खुला है दुकान। जल्दी हम लोग को स्टेशन पहुँचने की। हम लोग स्टेशन आ गए हैं, स्टेशन पर अच्छा खासा भीड़ है, तो जो जिसको जो समझ में आया वो सामान ले चुका है। मैं और भाभी एक थैले दोनों साइड से पकड़ के लेके जा रहे हैं, बच्चे भी कुछ कुछ थैला हाथ में लिया है। इधर उधर देख भी रही हूँ कि बच्चे कहीं पीछे न छूट गए हो, डर लगता है स्टेशन पे। ये पीहू है, बच्चे छूट न जाए इसके लिए भाभी दुपट्टे से दोनों बच्चों का हाथ बांध दी है। देखिए, आइए, पीहू तो ठीक जा रही है। पीहू कह रही है कि नहीं खोलो, मुझे शर्म आ रही है। मेरे हस्बैंड बेचारा इतना बड़ा बैग लेके जा रहे हैं नीचे। एक साइड प्लेटफार्म से सीढ़ी से ऊपर चढ़ना होता है, दूसरे प्लेटफार्म पे उतरने के लिए सीढ़ी से फिर उतरना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं ये। जब स्टेशन आए तो ट्रेन लगी हुई थी, अब हम लोग को चढ़ना है ट्रेन पे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सीढ़ी से सामान लेकर उतरना चढ़ना मामूली बात नहीं है, बहुत हरासमेंट हो जाता है। तो अब हम लोग जल्दी, मेरा बेटा चढ़ गया है और जल्दी से हम लोग को भी चढ़ना है ट्रेन में। तो अब हम लोग आके अपनी सीट पे बैठ गए हैं, सब अपने अपने सीट पे। ये कुहू है, ये मीनू है, मेरा भाई है। ये देखिए ऊपर का 2 बर्थ, ये भी हम लोग का है, नीचे का भी है 2, सब मिला के 8 बर्थ था, 4 इधर और फिर 1 उधर है। और कुछ लोग एसी में भी चढ़े हैं, तो हम लोग 2 जगह बट गए हैं सब लोग, इसलिए अभी इसमें तो हम लोग इतने आदमी हैं, बाकी उसमें है। और मैं पीहू के साथ छेड़ रही थी कि मैं उस पर लेट गई, बोली मेरा भार थम पाएगी, तो कहती आहा चिल्ला रही है। अब देखिए उसमें कितना खाली था, धीरे धीरे देखिए कितने लोग चढ़ गए हैं इसमें। हम लोग का सीट है, हम लोग को ही ये लोग उठा उठा के बैठ रहे थे, पता है। देखिए बाहर का नज़ारा, बाहर देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी है को उधर से उठ के इधर आ गई खिड़की साइड, कि मुझे खिड़की से बाहर देखना है। बाहर का नज़ारा देखिए, मेरा सीट है, कितने सारे लोग हैं, यही प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं झगड़ झगड़ के बैठता है सब। एक तो वो जेंट्स है, बोल रहे थे कि क्या आप खरीद लिए हैं, तो मैंने कहा खरीद तो लिए हैं, जहाँ तक का टिकट है तो सीट तो हमारी ही है भैया, खरीद तो ज़रूर लिए हैं। लेकिन ये लोग मानने वाला कहाँ, ऊपर का दोनों सीट ने ये लोग पूरा ले लिया, सामान को साइड कर दिया। सोचिए नीचे का 2 सीट बचा नहीं, इसमें भी थोड़ी देर में हम लोग साइड हो जाएंगे। अब थक गए थोड़ा, हम लोग लेट गए अपनी सीट पर और धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। ये लग ही नहीं रहा है कि हम लोग का बुक है ये सीट, कुछ नहीं होता है इधर ऐसा। ये देखिए ऊपर फूल नीचे फूल, भीड़ बढ़ रही है, हम लोग साइड हो रहे हैं, इस तरह से घूर घूर के देख रहे हैं लोग हमें। क्यों? क्योंकि ये लोग लेट के जा रहा है और हम लोग खड़ा होके जा रहे हैं। ऐसा, अरे भाई तो जाएंगे ही ना, मेरा रिजर्वेशन है तो जाएंगे ही, बट इन लोग को कहाँ चैन है। फिर अभी वो खड़ी है लड़की, बाद में हम लोग उसको बैठा लिए थे अपनी सीट पे,
बोले बैठ जाइए, तो बैठ गई थी। बाहर का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है, मस्त लग रहा है देखने में। फिर हम लोगों ने खाना खाया, घर से खाना लेके आए थे पूरी और सब्जी, तो सब मिल के अपना खाना निकाले और खाने बैठ गए। ये जो नीचे बैठे हैं ना एक अंकल, बूढ़े अंकल, इनसे हम लोग पूछे कि खाइएगा, बोले नहीं। फिर हम लोग सारा खाना खाए। उसके कुछ देर के बाद फिर ये अमरूद बेचने वाली आई, लेडी है, फिर मीनू अमरूद खरीदी, ये खरीद रही है। पहले पूछी कि आप खाइएगा, तो कुछ सर्दी थी, खास गला खसखस कर रहा था, फिर बाद में बोली नहीं चलो ठीक है खा लेते हैं। फिर हम लोग वो काट के दी, नमक मिला के, अच्छा लगा खाने में। फिर हम सब मिल के अमरूद खाए। ये देखिए कुहू बेचारी सो गई, हम लोग का भी हालत ख़राब हो गया, गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा। बड़ा बड़ा अमरूद था, पता नहीं कहाँ से ये लोग लाके बेचती है। अच्छा लगा था, बहुत मीठा था खाने में। ये देखिए खरगोश ऊपर के सीट पे इसको रख दिए थे, साथ में घास भी लाई थी मीनू इसको दी, बहुत ज़्यादा डर गया बेचारा। इस बार इसको घर पे छोड़ के आने का मूड है, इस बार खरगोश को साथ में नहीं लाएंगे। तो सफ़र का पूरा एंजॉय ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद हम लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। वो कोरोना हुआ था ना, उसके बाद से एक दो बार घर गए तो बाय रोड ही गए थे। ये देखिए ये बड़हिया स्टेशन आ गया है, यहाँ से खुल गई ट्रेन। ट्रेन का भी सफ़र अच्छा होता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी मिलता है इससे। देखिए अब हम लोग अपना स्टेशन आ गए हैं। मेरा बाल ख़राब हो गया था तो मैं कंघी साथ में लेके चलती हूँ पर्स में, तो मैं झाड़ रही हूँ, भाभी छेड़ रही है कि हीरोइन बन जाइए। ये भाभी मेरे साथ नहीं बैठी थी, ये एसी में बैठी थी, तो अब आके हम लोग खरगोश को देख रहे, बेचारा बहुत धूप है, इसको प्यार कर रहे हैं कि चलो हम लोग यहीं हैं, डरो मत। अमीनू लेके जा रही उसको, ये बैग गिर गया, हम लोग का बैग गिर गया था। चलिए यहाँ से हम लोग अब ऑटो से अपने घर जाएंगे। ये दो ऑटो लिए हैं, एक ऑटो में सामान और बच्चे बट गए, हम लोग बहुत सारे लोग थे ना तो दो ऑटो में बटे हैं, तो एक ऑटो तो यहाँ तक आ गया तो बहुत कोई उस पर बैठ गया, बाकी एक ऑटो दूर में था तो हम लोग को पैदल जाना पड़ा धूप में सामान के साथ। ये देखिए मेरा ऑटो कितना सामान भरा हुआ, इससे आगे है दूसरा ऑटो, वहाँ पैदल जाना है, बहुत ज़्यादा थक गए धूप है, तो एक दुकान में खड़े हो गए हम लोग। ये देखिए ऑटो वाला मिल गया हम लोग, ये मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे, भतीजा और मैं, और साथ में खरगोश ये सब हम लोग एक ऑटो में है और बाकी सारे एक ऑटो में। तो अब घर जा रहे, घर जाते समय देखिए बाग बगीचा खेत खलिहान सब मिलता है, एकदम हरियाली ही हरियाली है, बट धूप बहुत ज़्यादा है, सबका चेहरा काला पड़ चुका है। हम लोग आपस में बात करें कि चेहरा पूरा काला पड़ गया है ना। चलिए अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा कट करके दिखाती हूँ, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। रास्ते में क्या क्या मिलता है ये मैं दिखाती हूँ बीच बीच का। ये देखिए डैम है, अभी तो पानी कम है, बरसात में बहुत पानी रहता है, यहाँ से इसको अगर खोल दें तो पूरा बाढ़ आ जाता है, इतना पानी रहता है। बहुत अच्छा जगह, यहाँ घूमने के लिए लोग आता है। देखिए कितना अभी तो सूखा हुआ है बट इसमें पानी बहुत रहता है। शाम का टाइम में घूमने में बहुत मज़ा आता है यहाँ। तो चलिए तो पूरा रास्ता चलते जाएगा,
अब थोड़ी ही देर में अब घर पहुंच जाएंगे। पहले उधर गांव में इतना अच्छा रोड नहीं था, तो अब बहुत अच्छा रोड बना दिया है गांव में भी, एकदम मस्त है, बढ़िया रोड है। पहले ऊबड़ खाबड़ बहुत था, जाते समय पक्की रोड, कच्ची रोड, खेत पथार घर, बगल से ट्रेन गुजरती है, वो सब का पटरी। ये देखिए घर है गांव का, ये देखिए ये बगल से ट्रेन गुजरती है यहाँ, ये सब सब देखते हुए हम लोग घर पहुँचे। ये देखिए रास्ते पे ये सब क्या भैंस है, ये भी मिला, मज़ा आते गया देखते देखते। इसको साइड करके, इन लोग को बहुत एक्सपीरियंस रहता है, रोड पे नहीं चलेगा, साइड दे देता है गाड़ी को। तो अब हम अपना एरिया पहुंच गए हैं, मतलब अपने मायके पहुंच गए। तो गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये हम ही लोग का बगीचा है, ये पेड़ गिर गया है, बहुत पुराना पेड़ था यहाँ, अभी लकड़ी ढुलवा रहा है यहाँ शायद। हम लोग बचपन में इस पेड़ के नीचे बैठते थे, आम चुनते थे, बहुत पुरानी यादें जुड़ा हुआ है। यहाँ कुछ देर ऑटो लगी हुई है, मैं निहार रही हूँ उस पेड़ को, और रोना भी आ रहा है कि वहाँ यहाँ से देखिए मेरा घर दिख रहा है, बहुत खेलते थे, मेरा बेटा खेल रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ गए, अब ये देखिए अब पहुंच गए हम अपना घर, एकदम बड़ा सा घर है, पूरा खुला गांव है। ये देखिए आ गए हैं, थोड़ा सा मोल मेल आवाज यहाँ कैप्चर कर लेती हूँ। बहुत बड़ा फैमिली है, मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अब मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।